मेनस्ट्रीम मीडिया सरकार की बोली बोलने लगा, सोशल मीडिया असल खबर दिखाने लगा, इसलिए सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया। मैं पत्रकार होते हुए पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल नहीं, नहीं, नहीं। सरकार का कोई भी पैसा किसी गलत हाथ में नहीं जा रहा है। 7 साल में कितनी सरकारी नौकरियां सृजित हुई, सरकार ये क्यों नहीं बताती? जिसका ये दुष्परिणाम है कि ये सामाजिक बुराई, जिसके सामाजिक बुराई है, बेच कौन रहा है, कहीं ना कहीं से अवेलेबिलिटी कैसे है, उपलब्धता कैसे है, ये शराब माफिया कैसे काम कर रहा है, ये थोड़ा मुझे समझाइए, ये कैसे हुआ? 1/4 दाम गिर गए और पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस, मतलब हमें किसी कीमत पर राहत नहीं मिलेगी। मीडिया डिबेट्स कुछ गिने चुने मुद्दों पर ही होती हैं और सवाल भी ज्यादातर विपक्ष से ही होते दिखाई देते हैं, लेकिन आज हम न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की हाल ही कुछ डिबेट्स की बात करेंगे, जिनमें संदीप ने जनता से जुड़े मुद्दों पर भाजपा नेताओं को अपने तीखे सवालों में घेरा। न्यूज 24 पर बेरोजगारी के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता आलोक वत्स से बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल किए, जिस पर नेता अर्थव्यवस्था के उठने का इंतजार करने को कहने लगे, पर एंकर ने रोजगार के आंकड़े देने को कहा तो भाजपा नेता इस सवाल को टालते नजर आए। 1973 में बेरोजगारी के आंकड़े हम जुटाने शुरू किए थे, आलोक वत्स 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी पहुंची थी, 2018 की बात कर रहा हूं, 6.1%। तो 2018 तो 2014 के 4 साल बाद आता है ना, या 2014 से पहले था 2018? देखिए, ये बेरोजगारी एक दिन की समस्या नहीं है। हाँ। ये जब पीछे से व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है तब इसके दूरगामी परिणाम आते हैं। व्यवस्था बिल्कुल बैठ गई थी, कम से कम मोदी के शासन में एक भी घोटाला कोई उजागर नहीं हुआ है, सरकार का कोई भी पैसा किसी गलत हाथ में नहीं जा रहा है। 7 साल में कितनी सरकारी नौकरियां सृजित हुई, सरकार ये क्यों नहीं बताती? पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है। नहीं, सरकार ही नहीं दे रही, मेरे पास भी आंकड़े नहीं है, आपके पास कैसे होंगे? अभी थोड़ा और सब्र कीजिए। अच्छा। और देखते जाइए कि जिस तरीके से पटरी पर व्यवस्था अर्थव्यवस्था लौटेगी तो हर चीज सुनहरा नजर आए। देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर सवाल किए, जिस पर नेता कोविड पेंडेमिक का उदाहरण देते नजर आए, लेकिन एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और अपने तीखे सवालों में उलझा लिया। प्रकाश चंद्र शर्मा, पहले तो किसानों की बात, और क्योंकि आप भी किसानी परिपेक्ष से आते हैं, किसानों ने अर्थव्यवस्था को बचाकर रखा, किसानों को कौन बचाएगा? ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना कि किसानों ने बचाई देश की अर्थव्यवस्था। संदीप जी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे हम इतिहास पलट लें, चाहे वर्तमान को देखें, चाहे भविष्य को देखें, देश की रीढ़, देश की मजबूती किसानी थी, किसानी है, किसानी रहेगी। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के आस्पेक्ट को देखने की, अर्थव्यवस्था को देखने की, और उसकी मूल व्यवस्था कृषि रहेगी, इसीलिए यह बिल है और किसानों के हित में है। इसके कई स्टार्टअप्स हैं, कई नए राज्य पुरानी व्यवस्था में ही चल रहे हैं ना, कानून कहने को बन गए, वो लागू नहीं हुए हैं। पुरानी व्यवस्था में भी किसान अपने मजबूत कांधों से देश को बचाए रखे हैं। कई कई अगर हम बात करें, आप खाद की बात करें, आप किसी चीज की बात करें, और बेसिकली एक शब्द में बात करें, जो बात कर रहे हैं, खाद का कट्टा 50 किलो की जगह 40 किलो नहीं हो गया? डीजल आप ये देखिए ना कि हम 20 रुपए नहीं बढ़ गया। न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा नेता से सवाल किए, जिस पर नेता सरकार द्वारा लाई स्कीम्स का जिक्र करते नजर आए और राज्य सरकारों को दोष देते नजर आए, लेकिन एंकर ने उन्हें सरकार द्वारा लगाए जा रहे टैक्स को लेकर जवाब देने को कहा। ये थोड़ा मुझे समझाइए, ये कैसे हुआ? 1/4 दाम गिर गए और पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस, मतलब हमें किसी कीमत पर राहत नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, आप कोरोना काल में जब थे तब 1/4 कीमत गिरे, जब आपके पास कोई डिमांड नहीं थी, हमने उसको खरीदा, उसका भंडारण किया, 80 करोड़ परिवार को भोजन मुहैया कराना, इस कोरोना में लोगों के दुख को, दुश्वारियों को कमतर करना, कृषि को, तो जो कोविड काल में 69.59 रुपए पेट्रोल था अब वो 100 रुपए हो गया, 62.29 रुपए था डीजल अब वो छूने लगा है 90 का आंकड़ा, तो पेट्रोल 30 रुपए बढ़ गया, 28 रुपए डीजल बढ़ गया। विश्व में क्रूड ऑयल का उत्पादन थोड़ा सा कम हो रहा है, उसकी वजह से ये जो है क्रूड ऑयल का जो है दाम बढ़ा है, थोड़े समय की बात है, ये कम थोड़े समय की बात। एक और डिबेट शराब तस्करी के मुद्दे पर हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से तीखे सवाल किए,
जिस पर भाजपा नेता इस बात को नकारते नजर आए, लेकिन एंकर ने उन्हें सच दिखाया जिसके बाद वे ठीक से जवाब देने लगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 22 राज्यों में यह सर्वे किया गया कि भाई कहां पर ज्यादा शराब का सेवन हो रहा है। बिहार में यह आंकड़ा तो शून्य होना चाहिए था ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जरा इसको कंपैरेटिवली आप देखिएगा ना। अच्छा। आप ये ठीक है, आज 16% लोग शराब पी रहे हैं, ये 4 साल पहले कितना रेशियो था, आप इसको भी देखिए ना। मैं ये कह रहा हूं देखिए, जो 4 साल 11 महीने बाद 5 साल बाद भी अगर चाय 16 आदमी शराब पी रहे हैं 100 में से, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको कंपैरेटिवली देखिएगा कि कल तक क्या स्थिति थी, शराबबंदी के बाद क्या स्थिति है। मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि ये कुछ लोगों के आदत में शुमार है, जिसका ये दुष्परिणाम है कि ये सामाजिक बुराई जिसके खिलाफ सरकार बेच कौन रहा है, कहीं ना कहीं से अवेलेबिलिटी कैसे है, उपलब्धता कैसे है, ये शराब माफिया कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल ये जो थानों में शराब जब्त भी की जाती है उसे चूहे पी जाते हैं, लोगों ने पीनी बंद कर दी, चूहे पीने लगे बिहार में। न्यूज 24 पर सोशल मीडिया के मुद्दे पर भी एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सरकार द्वारा ऑनलाइन चैनल्स पर जारी गाइडलाइंस को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर नेता बात को इधर उधर घुमाते नजर आए, पर एंकर ने नेता को ऐसा करने से रोका और इस पर सही से जवाब देने को कहा। आईटी एक्ट है ना, ये नई चीजें लाने की जरूरत क्या है? अरे रोजी रोजगार जिससे ये आशुतोष बन सके, उसको आज कितनी बड़ी चुनौती मिली है, ये कभी सोचा है इन्होंने? नहीं, चुनौती इसलिए भी मिली है क्या विचारों की नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो मैनेज हो गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की बोली बोलने लगा, सोशल मीडिया असल खबर दिखाने लगा, इसलिए सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया। मैं पत्रकार होते हुए पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल, आप क्या आप अपने हाउस को, जिस हाउस में आप बैठे हुए हैं, जिस जहां आप नौकरी कर रहे हैं, आप क्या मैनेज हैं? नहीं है ना। मैं अपने गिरेबान में जाम कर ये सवाल पूछ रहा हूं, लोगों में ये धारणा बन गई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मैनेज हो गया है, सोशल मीडिया असल खबर दिखाता है। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले कितना बड़ा एक बवाल आया कि राहुल गांधी ने किस तरह से फेसबुक, और उसके लिए बकायदा फेसबुक ने माफी मांगी। भाजपा के नेताओं से तीखे सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर कम ही होते दिखाई देते हैं, पर संदीप अक्सर सवाल भाजपा नेताओं से करते हैं और उनकी गलत बयानी पर टोक भी देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गोदिया मीडिया के पत्रकार भी ऐसा ही करना शुरू करें और भाजपा नेताओं को अपने सवालों में उलझाकर जनता के सवालों के जवाब लेने शुरू करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।